गया 24 सितंबर, गया शहर के विभिन्न वार्डों से प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन पर्चा भरा, जिसमें वार्ड सदस्य के लिए वार्ड नंबर 2 से कुसुम देवी, वार्ड नंबर 48 उदय पासवान, वार्ड 1 से जितेंद्र प्रसाद वर्मा की पत्नी स्वंगलता वर्मा, वार्ड 28 से दिव्यांग महिला रानी देवी, वार्ड 48 के निवासी नरेश पासवान ने मेयर पद के लिए, गया के पूर्व मेयर वीरेंद्र कुमार ने मेयर पद के लिए तथा इसके अलावे कई प्रत्याशियों ने पार्षद एवं मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। सभी ने अपने क्षेत्र को सर्वांगीण विकास करने की बात कही है। काम तो ये था, गली नली और ये क्या घर आवास योजना सारा काम किए हैं। इस बार अधूरी काम को पूरा कीजिए। अधूरा जो बचा हुआ है वो और जो नई योजना आएगी उसे हम लाभान्वित करेंगे। अपने क्या अपील कीजिएगा हम लोगों से? आप लोग से यही है कि समर्थन कीजिए कि फिर इस बार जिताइए कि फिर वही काम अच्छा से हम कर सके। अभी तो लगभग कुछ जो छूटे हैं वो पूरा किया जाएगा। मैं वार्ड पार्षद स्वर्णलता वर्मा, पति जितेंद्र प्रसाद वर्मा, वार्ड नंबर 1 की प्रत्याशी। नगर निगम मैं अपना काम मेयर पत्र में पहले प्रदस्तापित था, इसीलिए मैं अपना कार्य का विरोध हुआ किसी अगला काम का विवरण नहीं दे सकता। तो बीते 5 वर्षों में उन्होंने कोई काम नहीं किया? जब तक दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं था, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा तब शहर में विकास कैसे होगा? विधायक का मंत्री का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो शहर का देश का विकास कैसे होगा? इसी तरह गया एक क्षेत्र है उसमें भी सब मिलजुल करके हमने काम करना है। लेकिन पार्षदगण गया शहर के एक केला चना फाड़ने मतलब सभी का सहयोग, गया स्वच्छ सुंदर सभी का सहयोग है। इसी साथ गया शहरवासी को हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं पार्षद पद के लिए नामांकन किया हूँ। कौन सा वार्ड? 48 वार्ड का। क्या नाम हुआ? उदय पासवान मेरा नाम हो गया। क्या मुख्य एजेंडा आपका? मेरा मुख्य एजेंडा यही है कि जो अधूरा काम को पूरा करना है। मुझे ने जनता ने मुझे आह्वान किया कि उदय बाबू अपने क्षेत्र में आइए, क्योंकि कार्य बहुत बाधित है। किसी का कॉलोनी हुआ हुआ अधूरा पड़ा हुआ, नाली कहीं टूटा हुआ फूटा हुआ रोड भी है। जितनी नगर निगम से योजना आती है उसमें मैं कर्तव्यनिष्ठ निभाऊँगा और मैं जनता से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। क्या जनता से अपील करते हैं साहब? मैं अपील यही करता हूं कि एक बार आशीर्वाद देके मौका देके देखे, मैं कभी कदापि पीछे नहीं हटूंगा। मैं 24 घंटा जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूंगा। मेयर से जी, क्या नाम हुआ? नरेश पासवान। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करना चाहते हैं कि मुझे वोट देकर विजयी। जनता आपको वोट दे, इसका भी कोई वजह होता है, आप ही को वोट क्यों करें? और भी तो प्रत्याशी हैं, उनके लिए अच्छा काम करने के लिए हम चाहिए। तो जनता की अदालत है सर, जिनको चुना। क्या उद्देश्य के साथ चुनावी मैदान में क्या कीजिएगा? जितने के बाद मैं जो मेयर का काम होता है मैं पूरी करूंगा, सब काम करूंगा। बोलते हर कोई है, क्या आप रियल में करेंगे? रियल में करूंगा सर। पर्चे बताइए अपना। नरेश पासवान, मानपुर से चरण में खड़े करके आप कैसे करेंगे इन्वेस्ट? क्या दिक्कत है? रोड का भी दिक्कत है, नाली का दिक्कत है, गली का दिक्कत है सर। कहाँ से मन में आया कि आपको पत्नी को? हमें जितना जनता लोग चुना क्या आप मतलब नरेशन कीजिए और हम ऐसे आप लोग को सपोर्ट करेंगे। तो हमने आया 3 दिन आया यहाँ पे, नमेशन नहीं लेकिन आज दिव्यांग है, कैसे हौसला आया चुनाव लड़ने? जनता ने दिया, जनता ने बोला कि आप खड़ा होइए। प्रचार करने में तो दिक्कत होगा, कैसे प्रचार कीजिएगा? देखिए मेरी गाड़ी है। अच्छा, जी करूँगी। आप और पत्नी दोनों बैठे? नहीं नहीं, मैं उसे सिर्फ प्रचार लगा कर मैं घूमूँगा। आप लोग दोनों पति पत्नी दिव्यांग? यस। ऐसे करते क्या हैं? हमारे कटारी हिल मोड़ पर दुकान है, बजरंगबली मोड़ के पास। कैसे मन में आया कि हम चुनाव लड़ेंगे? जनता लोग बोला कि आप खड़ा होइए आपको हम जिताएंगे, हम लोग बोले ठीक है। जनता में ऐसा क्या आपके प्रति विश्वास है या प्रेम है, ऐसा क्या आपने किया जनता को कि आपको जनता कह रही है कि आप खड़ा होइए जीतिए? उन्होंने देखा कुछ ऐसा किया है आपने पहले? ऐसा तो हमने जैसे जब मान ले किसी का एच नहीं बढ़ रहा हो, आधार नहीं बढ़ रहा हो, एच नहीं बढ़ रहा हो, वो सब वगैरह मान ले हमने करते रहा पहले। किसी का राशन कार्ड नहीं बना तो मैंने आकर करवाया, और कुछ नहीं बना तो आया वहाँ पे आकर के देखा, वोटर आई डी नहीं बना तो वहाँ पे आकर के देखा, सर्च मैंने देखा। आज नामांकन किए? आज नामांकन किए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद पासवान है। अरविंद जी कितने वोटर हैं आपके वार्ड में? वो वोटर तो नहीं देखा लिस्ट।
28 नंबर वार्ड से। क्या नाम है आपका? रानी देवी। कैसा समर्थन? कहाँ से मतलब मन में आया इलेक्शन लड़ने के लिए? पंचायत वाला दिए लोगों ने कहा। लोगों ने कहा कि हमारे वार्ड में अच्छे काम नहीं होते, देखते हैं एक बार प्रोग्राम पर। क्या समस्या है मोहल्ला में? ठीक है सर। समस्या क्या है? समस्या तो बिल्कुल खराब है, हमारे वार्ड में जो प्रत्याशी है वो सही से काम नहीं कर। अच्छा, पहले आप बोल लीजिए ना, उसके बाद तुम बोलना यार। बोलो पूरा बात बोलिएगा कि नॉमिनेशन कर रहे हैं। हाँ बताइए, किस लिए यहाँ पर आए? नॉमिनेशन करवाने के लिए। किस चीज का? वार्ड करोड़ से। मतलब क्या क्यों इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं? विकास के लिए। क्या विकास के लिए करती? कौन काम कीजिएगा, जीतिएगा तो कौन सा काम मोहल्ला में? कौन क्या काम कमी है? गली नली बनाए। गली नली बनाए। दिक्कत है रोड वोड? दिक्कत है। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है सर। क्या क्या दिक्कत है? पानी का यार, गली में पूरा कचा ही नहीं है। जो पहले से उतना काम नहीं किया है? नहीं किया है सर। कौन से पहले? पहले से मिंटू पास। आप आइएगा तो काम कीजिएगा। हाँ, काम कीजिएगा। कौन काम कीजिए? गली नली सब बना देंगे। बना देंगे। लोग समर्थन दे रहे हैं? लोग दे रहे हैं समर्थन। क्या नाम है? रानी देवी। कौन सा वार्ड? 28 नंबर वार्ड। बोलिए कहाँ से और किस पद के लिए आप नामांकन दाखिल किए हैं? 2 नंबर वार्ड से खड़ा हुए हैं। किस पद के लिए? और वार्ड काउंसिलर के लिए। क्या नाम हुआ आपका? कुसुम देवी। बोलिए क्या जनता से क्या आप अपील करना चाहते हैं? जनता से यही कह रहे हैं कि गरीब लोग के मदद करेंगे, एक और चांस दीजिए। और नली है, गली है, सब जनता के लिए करेंगे, विकास के काम करेंगे। विकास का काम करेंगे। कहते तो सब हैं लेकिन करते नहीं हैं। नहीं तो एक बार चांस मेरा मिलेगा तब तो जरूर करेंगे, तब ना दोबारा चांस मिलेगा मेरा। मैंने विकास करिएगा। हाँ। महिलाओं के लिए क्या करिएगा? महिला आप एक हैं। महिला है, विधवा है, उसको विधवा पेंशन बनावेंगे। जिसको परिवार है गरीब का तरह उसको मदद करेंगे, जितना बनेगा उतना मदद करेंगे महिला लोग। चुनाव में आए हैं, इसके पहले जनता के बीच में क्या कर रहे थे? इसका बीच में कोरोना काल में भी मदद किए हैं किसी को? हाँ, कोरोना काल में भी मदद किए हैं। मदद किए हैं इसलिए कि कोई वैसा है तो उस सबके भी मदद किए हैं। तो इतना तो याद ना कि किस कुछ से किए हैं का समझे, जितना बना उतना किए हैं, सहयोग किए हैं, किए हैं। अब का अब जब हम कहे देंगे तो किस लिए हो सके है? कहे सही। करें चुनाव जीतला के बाद करेंगे। अब चुनाव जीतला के बाद क्या करेंगे ना करेंगे वो जनता खुद देखेगा। हम क्या बोले पहले? क्या नाम हुआ आपका? कुसुम देवी।